मेरा नाम दीपचंजन, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामपुर डिपो मैं तैनात हूँ। और यहाँ पर शासन के निर्देशों के अनुपालन में 29 तारीख की रात को 12 बजे से 31 तारीख की रात के 12 बजे तक महिलाओं के लिए रक्षाबंधन की पर फ्री सेवा की जा रही है। कोई भी उनसे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क वसूला नहीं जाएगा और उनको अतिरिक्त अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 40 बसों के अतिरिक्त फेरे जो शेड्यूल है उसके अतिरिक्त भी गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए पूरी तरह से पुरजोर तरीके से प्लानिंग की गई है। पूरे जहाँ पर यूपी की बसें चलती हैं वहाँ पर तक महिलाएँ फ्री जाएंगी, नहीं कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। उनकी अलग से सुविधा के लिए बसों के अतिरिक्त फेरे भी बढ़ाए गए हैं पूरे यूपी में, जिससे किसी भी प्रकार से महिलाओं को कोई भी असुविधा, किसी भी यात्री को कोई भी असुविधा उपलब्ध नहीं हो। रामपुर में 60 बसें हैं, 40 बसों के हमने अतिरिक्त फेरे बढ़वा दिए गए हैं जिससे यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं हो। पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी यात्री को कहीं भी किसी भी प्रकार से बैठने के लिए, बस अड्डे पर बैठने के लिए शौचालय की सुविधा, यात्री को चाय पानी की, हर एक की असुविधा नहीं हो, पूरी तरह से सुविधा की गई है बस अड्डे पर। 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे।